नमस्कार सिंह, ले चलती हूँ आपको सीधे मुख्य समाचारों की ओर। आज के मुख्य समाचार, शिक्षकों की समस्या को लेकर सौंपा ज्ञापन। देर से आई रिपोर्ट में 42 आए कोरोना पॉजिटिव। आर्य सन्यासी स्वामी अग्निवेश को दी श्रद्धांजलि। जागरूकता के लिए जिला कलेक्टर ने की अपील। बबुल की झाड़ियों में मिला नवजात शिशु। जिला शिक्षा अधिकारी को दिया ज्ञापन। भू माफिया के विरुद्ध कार्रवाई की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन। सीसी रोड पर गड्ढा हो जाने से राहगीर परेशान। अब समाचार विस्तार से। शिक्षकों की समस्या को लेकर सौंपा ज्ञापन। राजेश शर्मा की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में प्रतिनियुक्ति पर रोक होने के बावजूद मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय जालौर द्वारा अनेक शिक्षकों को गलत नारिक एवं मनमाने ढंग से बिना किसी कार्यालय आदेश के शिक्षा विभाग के कार्यालय एवं विद्यालयों में प्रतिनियुक्ति या कार्य व्यवस्थार्थ के नाम पर लगाया जा रहा है। वहीं मनमाने तरीके से एक विद्यालय से दूसरे विद्यालयों में व्यवस्थार्थ के नाम से भी शिक्षकों को लगाया जा रहा है। साथ ही इस प्रकार के कार्यों में पैसों के लेन देन की जानकारी प्राप्त हुई है, जो कार्यालय द्वारा उचित जांच करवाई जाए। अगर इन आदेशों को निरस्त नहीं किया जाता है तो भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन जालौर द्वारा मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय का घेराव किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन की होगी। देर से आई रिपोर्ट में 42 आए कोरोना पॉजिटिव। राजेश शर्मा की रिपोर्ट के अनुसार सुबह तक की रिपोर्ट में जालौर जिले में 42 कोरोना पॉजिटिव मरीज आए हैं, जिसमें जालौर शहर से 25 मरीज आए। मालवाड़ा में 1, जसवंतपुरा में 1, दांतलावास में 2, रामसिंह में 1, आहोर में 9, कवला में 1, नाभी में 1 और सायला में 1 कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। कोरोना मरीजों को एम्बुलेंस की सहायता से कोविड सेंटर पहुंचाया गया, साथ ही घर के सभी लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया। वही प्रशासन द्वारा गाइडलाइन की पालना की जा रही है। आर्य सन्यासी स्वामी अग्निवेश को दी श्रद्धांजलि। राजेश शर्मा की रिपोर्ट के अनुसार आर्य यूथ विंग जालौर के आर्य वीरों ने आर्य समाज के विश्व विख्यात क्रांतिकारी आर्य सन्यासी स्वामी अग्निवेश महाराज को आर्य वीरों ने पुष्प अर्पित कर 2 मिनट का मौन रख स्वामी अग्निवेश महाराज को विनम्र श्रद्धांजलि दी गई। आर्य युद्ध विंग के संरक्षक चंद्रशेखर आर्य ने कहा, स्वामी अग्निवेश अपने आप में एक जन आंदोलन थे। आपने सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अनेकों आंदोलन चलाए, जिसमें जातिवाद, अंधविश्वास, पाखंड जैसी कई बुराइयों का आपने खुलकर विरोध किया। आर्य युद्ध विंग के संचालक जगदीश आर्य ने कहा, स्वामी अग्निवेश साहसी, नीडर एवं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में पहचाने जाते हैं। श्रद्धांजलि कार्यक्रम के अवसर पर आर्य युद्ध विंग के संरक्षक चंद्रशेखर आर्य, आर्य युद्ध विंग संचालक जगदीश आर्य, आर्य वीर दल के पूर्व संचालक एवं आधुनिक भीम के नाम से विख्यात मिश्रीमल सुथार, आर्य युद्ध विंग के वरिष्ठ आर्य वीर भागीरथ गर्ग एवं बड़ी संख्या में आर्य वीर एवं मुक्केबाज उपस्थित थे। खबरों का सिलसिला यही जारी रहेगा, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। नाकोड़ा टाइल्स, टाइल्स की सैकड़ों वैरायटी, फर्श, किचन और एलिवेशन की शानदार डिजाइनों के साथ संपूर्ण सैनिटरी किफायती भाव में मिलने का एकमात्र स्थान नाकोड़ा टाइल्स, नारायण पथ, मानपुरा कॉलोनी, जालौर। राज्य शर्मा की रिपोर्ट के अनुसार जिला कलेक्टर मंशु गुप्ता ने सोमवार को आम जन से अपील करते हुए कहा कि कोरोना महामारी के कारण जिले में एक तरफ तो संक्रमण का खतरा बढ़ता ही जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ वर्षा के दिनों में मलेरिया तथा मौसमी बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है।
ऐसे में स्वयं जागरूक बनकर बीमारी से बचा जा सकता है। उन्होंने आम जन से आग्रह किया कि वे स्वयं भी इन मौसमी बीमारियों से बचने के लिए अपने स्तर पर प्रयास करें तथा अपने आसपास सफाई का पूर्ण ध्यान रखें। उन्होंने कहा कि वर्षा के बाद पनपने वाले मच्छरों से मलेरिया रोग की संभावना को देखते हुए मच्छर मारने वाले केमिकल का छिड़काव अपने घरों में तथा घर के आसपास करते रहे। साथ ही अपने घरों के आसपास गंदे पानी एवं कचरे को एकत्रित नहीं होने दे। उन्होंने कहा कि स्वयं जागरूक बनकर तथा ऐसे कदम उठाकर स्वयं ही मलेरिया तथा मौसमी बीमारियों से बचा जा सकता है। बबुल की झाड़ियों में मिला नवजात शिशु। भरत सोनी की रिपोर्ट के अनुसार भीनमाल के निकटवर्ती साँचो में चलती कार से एक नवजात शिशु को कटीले बबुल की झाड़ियों में फेंक दिया। वहीं ग्रामीणों ने इस नवजात शिशु को फेंकता देख पुलिस को सूचना दी। पुलिस की टीम ने नवजात को हॉस्पिटल पहुंचाया। निर्दयी मां ने बच्चे को ठिकाने लगाने की नियत से नवजात को फेंका। वहीं सांचोर के निजी हॉस्पिटल में उस नवजात शिशु की देखरेख डॉक्टर की टीम कर रही है। डॉक्टरों के अनुसार नवजात शिशु की जान अभी खतरे से बाहर है। इसी दौरान पुलिस की टीम नवजात को फेंकने वालों की तलाश में है। अननोन बेबी जाग पुलिस स्टेशन द्वारा ग्रामीण सहयोग से हमारे यहाँ हॉस्पिटल 11 बजे पहुँचाया गया था। जस्ट बच्चे को देखने के बाद में, परीक्षण करने के बाद में, बच्चा 1 महीने पहले जल्दी जन्मा हुआ है, 34 वीक है। वजन 1 किलो 700 ग्राम है। बच्चे को देखने से ऐसा लग रहा है कि बाहर बहुत सारे चोटों के निशान भी हैं। बच्चे को सांस में तकलीफ हो रही थी, अभी उसको परीक्षण के बाद में अंदर NICU में एडमिट कर लिया है। ऑक्सीजन दी जा रही है, कंप्लीट जांचें अभी करवाई जा रही हैं और उसके अकॉर्डिंग संपूर्ण इलाज बच्चे का चालू कर दिया है। बच्चा अभी स्वस्थ है? बच्चा अभी फिलहाल कंडीशन पे ऑक्सीजन पे, उसका ऑक्सीजन लेवल अंदर का बॉडी का 98-99% आ रहा है। बच्चा पहले से जो कंडीशन लाई गई थी उसमें थोड़ा बहुत सुधार हुआ है। जिला शिक्षा अधिकारी को दिया ज्ञापन। ध्यानचंद अदलिया की रिपोर्ट के अनुसार निजी विद्यालय संघ ग्रामीण ब्लॉक जालोर ने आज जिला शिक्षा अधिकारी जालोर को ज्ञापन देकर अवगत करवाया कि निजी स्कूलों की सत्र 2018-19 की प्रथम किस्त की राशि कार्यालय कार्मिकों की लापरवाही से 46 स्कूलों का भुगतान RBI में 2 साल पहले चला गया था, जो कि जिसका आज दिन तक भुगतान नहीं हुआ तथा सत्र 2019-20 की भी दूसरी किस्त आज तक नहीं आई है। कोरोना काल में निजी स्कूलों की हालत पहले से भी गंभीर है, अतः इस राशि का भुगतान जल्द से जल्द कराने को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर ग्रामीण ब्लॉक अध्यक्ष ललित दैया, जिला कोषाध्यक्ष हेमंत सियाग, हाकिम सिंह, मोहम्मद इलियास सहित कई निजी विद्यालय संचालक मौजूद थे। भूमाफियों के विरोध कार्रवाई की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन। भरत सोनी की रिपोर्ट के अनुसार भीनमाल में आज विश्नोई समाज के लोगों ने भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए थाना अधिकारी व उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि भीनमाल शहर के भूमाफिया व असामाजिक तत्व गलत रूप से महाजन जाति के व्यक्ति को परेशान कर रुपए ऐंठने तथा प्लॉट को सार्वजनिक पार्क की भूमि को बताकर कब्जा कर रहे हैं। उन कब्जाखोरों व भूमाफिया से विश्नोई समाज को बदनाम कर रहे हैं। उक्त प्लॉट भीनमाल निवासी भवरलाल जैन का आवासीय पट्टा युक्त है। इस पूरे मामले में अभिकर्तियों में एक पुलिस भी शामिल है, जो अपने पद हैसियत का दुरुपयोग करते हुए उक्त भूमाफिया व शराब तस्करों के साथ मिल गया है। विश्नोई समाज के नाम के आड़ में पुलिस व प्रशासन का गलत रूप से दबाव बनाया जाता है, जो गलत है। इसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। कुछ लोग यहाँ के हैं जो भूमाफिया है, उनको इस जमीन में कब्जा करना था। कब्जा करने के लिए इन्होंने कोशिश की, फिर इसका मालिक है जो पट्टा सूद जमीन वाला, उसने कब्जा नहीं करने दिया, तो सब सामूहिक होकर समाज को बदनाम करने के लिए कुछ पौधे लगाए और जमीन हड़पने की कोशिश की। जबकि पट्टा सन 1988 में मूलचंद जी के नाम से जैन समाज के आदमी का है, और झूठी समाज को बदनाम करने के लिए इन्होंने ये कोशिश की। विश्नोई समाज को बदनाम कर रहे हैं, कोई हमारा इस पर हक नहीं है, न हमारा कोई उद्यान नहीं है, बिल्कुल सब झूठ है। ये हमारी कोई जमीन नहीं, समाज की, विश्नोई समाज की। आज समाज की ओर से आज क्या मांग की गई है? समाज की ओर से ये मांग की है कि इस पर उचित
भाई कार्रवाई की जाए और समाज के एक लड़के के साथ झूठा मुकदमा दर्ज करवाया गया है, वो बिल्कुल सरासर झूठा है। हमारी जमीन नहीं है, ये जमीन के लिए दबाव बनाने के लिए उस पर ये झूठा मुकदमा दर्ज करवाया गया। साहब इसे समाज का कुछ नहीं है, समाज का हो तो हमारे सामने आता है, समाज का हम टेस्ट गए जो पदाधिकारी हैं तो हमारे नोटिस में ये बात है बिल्कुल। इसको लेकर आज आपने किस तरीके का ज्ञापन दिया है? मैंने तो दिया कि हमारे जितने समाज इससे बदनाम होते हैं, समाज की ये जमीन है नहीं, पटा सुध है नहीं, हमारा कब्जा नहीं है, इस पर कुछ नहीं है, जमीन को दूसरे की है। हाल चुकी सीधी रोड पर गड्ढा हो जाने से राहगीर परेशान। राजू सिंह राव की रिपोर्ट के अनुसार रामसिंह निकटवर्ती ग्राम पंचायत आतोल के हाई सेकेंडरी स्कूल के सामने वार्ड नंबर 1 में मुख्य रास्ते पर सीसी रोड क्षतिग्रस्त होने की वजह से ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि वार्ड नंबर 1 जाने का मुख्य रास्ता बारिश की वजह से सीसी रोड पर गड्ढा हो गया है, जिस कारण दुपहिया वाहन गिरकर चोटिल हो रहे हैं। ग्रामीणों को व आवागमन साधनों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, मगर ग्राम पंचायत की अनदेखी नजर आ रही है। और अंत में मौसम विज्ञान की जानकारी के अनुसार आज जालौर शहर का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जन समय की खबरों में फिलहाल इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा लीजिए। जय भारत, जय जालौर।